एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं ज्योति, स्वागत है आप लोगों को मेरी चैनल ज्योतिदास वर्ल्ड में। तो आज की रेसिपी है अरवी के आलू, वो भी कतला मछली के साथ। ये एक बंगाली रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। उसके लिए आप लोग को मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी ये कैसे बनती है। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है अरवी के आलू। जो अरवी के आलू है इसमें बहुत मिट्टी गंदगी रहती है, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से धोना है आपको। तो मैंने इसे अच्छे से धोकर इसे छन्नी में छान के रखा है। तो अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो जिसके लिए अब कढ़ाई में हम डालेंगे पानी। अब इसी पानी में हम अरवी के आलू को ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे हमें ढक्कन लगाकर कुक कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आप इसे कढ़ाई में बॉईल करना नहीं चाहते तो आप प्रेशर कुकर में भी इसे बॉईल कर सकते हैं, बट आपको एक सीटी लगाकर ही उसे निकाल लेना है। नहीं तो अगर ज़्यादा ये बॉईल हो जाएंगे तो इसके जब बात का जो प्रोसेस आप बनाएंगे तो वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो इसलिए अरबी का आलू को आपको 50% ही बॉईल करना है, एकदम से पूरा नहीं बॉईल करना है। जब ये आधा बॉईल हो जाए इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो आप ढक्कन खोल लेते हैं। तो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसके बाद इसे हम छन्नी से छान के रख लेंगे। और ठंडा होने के बाद इसका जो छिलका है ऊपरी भाग का, इसे साफ कर लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे का जो छिलका है ऊपरी भाग का, इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं इस तरह से। तो मैंने सारे अरवी को साफ कर लिया है। अब हम एक चाकू की मदद से इसे काट लेंगे। ये थोड़ा बड़ा साइज का अरवी का आलू था, इसीलिए मैंने इसको दो टुकड़े में किया है। अगर छोटा छोटा है तो आपको नहीं करने से भी होगा। और यहाँ पर मैंने जो कतला मछली है उसे ऑलरेडी फ्राई कर रखा हुआ है। यह मेरे पास एक अदरक का टुकड़ा और कुछ लहसुन की कलियाँ, इसका हम पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैंने एक प्याज मीडियम साइज का, इसे काट के रखा है। साथ में ये जो टोमेटो है इसे मैंने कद्दूकस करके इस तरह से पेस्ट बनाया है। और यहाँ पर ये जीरा का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। तो कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल। और जैसे ही ये तेल गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें एक छोटी चम्मच कलौंजी ऐड कर देंगे और इसके बाद कटे हुए प्याज को। अब प्याज को हमें 2 से 3 मिनट लगातार इसे फ्राई कर लेना है। दो से तीन मिनट प्याज फ्राई करने के बाद इसमें हम अरवी के आलू को ऐड कर देंगे। और अरवी के आलू को ऐड करने के बाद फिर से हमें इसे 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करना है। और बीच बीच में हमें इसे चलाते भी रहना है और इसी तरह से अरवी के आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। दो से तीन मिनट अरवी के आलू को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें टोमेटो को जो हमने पेस्ट बनाए हैं उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद मसाला के तौर पर जो मैंने हल्दी का पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक रखे थे उसे भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम अदरक और लहसुन को जो हमने पेस्ट बनाया उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमें इस मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है नीचे से जल ना जाए। और थोड़ा सा, बस बहुत ही कम थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया
और अब इस मसालों को पानी ऐड करने के बाद फिर से हमें इसे अच्छे से इस तरह से चलाते हुए मसालों को अच्छे से भून लेना है। जब तक कि मसालों से एक अच्छी सी खुशबू ना निकले, मसाला जब जब पक जाता है तब तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो ये जो मसाला है ये अच्छे से पक चुका है, तो इससे एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो उसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। तो आपको जितना ग्रेवी बनाना है तो उसी के हिसाब से इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है जितना ग्रेवी बनाएंगे उसी के हिसाब से इसमें आप नमक को भी ऐड कीजिएगा। तो अब इसमें हम कतला मछली जो फ्राई किया हुआ था उसे, यहाँ पर मैं 2 पीस कतला मछली यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे ढक्कन लगा कर फिर से 3 मिनट तक कुक करेंगे। बोलो 3 मिनट के बाद चलिए ढक्कन खोल लेते हैं। अब हमें चेक कर लेना है कि जो अरबी है ये पक चुके हैं कि नहीं, क्योंकि इसे तो मैंने आधा बॉईल किया हुआ था और बाकी जब इसमें हमने तेल में फ्राई किया उससे भी ये बहुत मतलब पक ही गए होंगे। फिर भी अब चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से ये अरबी के आलू पक चुके हैं। तो तैयार है अरबी के आलू की ये रेसिपी। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 हरी मिर्ची। ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा तीखा ज़्यादा खाती हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर हरी मिर्ची को ऐड किया है। तो तैयार है आज की रेसिपी।